कहा गया कि मैं बता दूं, मैंने बता दिया, इट्स अप टू यू, आगे चलो। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा थोरेसिक कैविटी, याद है? थोरेसिक कैविटी के आपको सारी बाउंड्रीज याद होंगी, याद होंगी? एक और नेक और डायाफ्राम स्टर्नम। मैंने कहा था कि दुनिया में सारे लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ने नहीं आया हूं, मैं किसका पढ़ने आया हूं? ह्यूमन। और अगर मैं ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने आया हूं तो मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए। तो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है इट इज लंग्स। बोलो क्या बेटा? लंग्स। कितने जोड़ी? लंग्स एक जोड़ी की दो जोड़ी? एक पेयर लंग है, याद है आपको? अच्छा, एक पेयर है, और मतलब एक पेयर का मतलब दो है, याद है? और बोथ आर प्रेजेंट इन द कैविटी नोन एज थोरेसिक कैविटी। और मैं इसी कैविटी के बारे में कल आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहा था, टाइम हो गया और इस वजह से सिखा नहीं पाया मैं। मैंने बोला थोरेसिक कैविटी में एक पेयर लंग्स कैसे पड़े हुए हैं, सब लोग मेरे साथ बताइए। पहले थोरेसिक कैविटी की बाउंड्रीज बताओगे? यस सर। अब बुक में कोई नहीं देखेगा, अपने बारे में सोचेगा। बॉडी ऊपर, बेस ऑफ नेक पक्का? ऊपर पक्का? अच्छा, पीछे वर्टेब्री, वर्टेब्रा है? आगे स्टर्नम है? अच्छा, आगे स्टर्नम। अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं तो बताओ ये क्या है? बेस ऑफ नेक, ये क्या है? स्टर्नम। तो मैं अगर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखूं तो जो मैंने बोन बनाई है, ये अभी अभी आपके सामने जो बोन बनी, इसका नाम क्या है? स्टर्नम। अच्छा बताओ ये क्या है? क्या ये वर्टिब्रल कॉलम है? ये है वर्टिब्री। और बताओ ये कौन सी वर्टिब्री है? सर्वाइकल की थोरेसिक? थोरेसिक। शाबाश, बताओ ये भाई साहब कौन है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा बताइए यहाँ पर पसलियां हैं? क्या इनका नाम रिप्स है? काउंट कोई नहीं करेगा कि 12 है कि नहीं है, मैं काउंट कराने लेने नहीं आ रहा हूं। मैं ऐसे खड़ा हूं लॉन्गिट्यूडनल, अब तुमने मेरी कैविटी काटी, कैविटी काटते ही तुम्हें आगे क्या दिखाई पड़ी? स्टर्नम। पीछे वर्टिब्रा। अभी जो कटा हुआ दिखाया, रिब्स, रिब्स दिखेगी? और उनमें इंटरकॉस्टल मसल नीचे ऊपर बेस ऑफ। और अगर मैं इसे सामने से देखूं तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगी, ऊपर नीचे साइड की तरफ, याद रहेगा? और ये कौन है? डायाफ्राम। आगे दिखेगा नहीं क्योंकि तुमने काटा मुझे ऐसे। आगे वाला स्टर्नम, पीछे वाला वर्टिब्रा। फिर मैंने बोला था थोरेसिक कैविटी इज अ एयर टाइट कैविटी। कैसी कैविटी है? एयर। और मैंने कहा था इसमें बायोलॉजी के नहीं फिजिक्स के रूल लगेंगे। कैसी कैविटी है? एयर टाइट। और एयर टाइट कैविटी होने के साथ साथ इस कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में प्रेशर है पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। और मैंने कहा था निगेटिव प्रेशर को आप फील करके जरूर आइएगा घर से, मैंने पढ़ाया था। आप एक ग्लास लीजिए, उसका एयर सक किया? अगर एयर सक किया तो ग्लास बचेगा कि चिपक जाएगा? क्यों? क्योंकि वहां प्रेशर निगेटिव है। आपने कहा ग्लास में कर दो छेद, कर दिया? बताओ एयर अंदर की बाहर? अंदर। बोले एक निगेटिव प्रेशर की एयर टाइट कैविटी है, कहीं से खुली नहीं है, सब जगह से बंद। और इसमें भगवान ने खोला भी तो केवल एक छोटा सा छेद दिया, इसका नाम है ट्रैकिया। बोलो क्या नाम है? ट्रैकिया। पढ़ा दूंगा अभी मैं। और इस ट्रैकिया के साथ जुड़े हुए दिए लंग्स। क्या दिए? लंग्स। तो लंग्स अगर ओपनिंग खुली हुई है तो बताओ थोरेसिक कैविटी की प्रेशर कैसा था? निगेटिव। और निगेटिव कैविटी में तुमने लंग्स को बंद करके दाग डाला है तो बताओ लंग्स बचेंगे कि इन्फ्लेट हो जाएंगे? इन्फ्लेट, क्योंकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जगह को कवर करने की कोशिश करेगा। वाई? थोरेसिक कैविटी में प्रेशर निगेटिव, और निगेटिव प्रेशर हमेशा एयर को अंदर लेने की कोशिश करेगा। और बताओ थोरेसिक कैविटी से एयर अंदर आएगी? Yes, और जब अंदर आएगी तो ये एयर थोरेसिक कैविटी में आएगी कि लंग में? लंग्स में।
और लंग्स में क्यों आई? क्योंकि ये एयर जाना चाहती है थोरैसिक कैविटी में, कामर, लेकिन लंग्स बंद है, लंग्स बंद है, तो बेटा लंग्स को फुला दे गई, फुला गई। yes, तो बताओ लंग्स फूल गए, क्यों फूल गए? क्योंकि यहां पर प्रेशर पॉजिटिव के निगेटिव, निगेटिव अब मत करना, यहीं पर रहना ध्यान से। बताओ ये जो लंग्स की कैविटी है, इस कैविटी का नाम रखा गया पल्मोनरी कैविटी। फिर से बोलो, बताओ पल्मोनरी कैविटी इज द कैविटी ऑफ थोरेक्स की लंग्स, लंग्स। ओके, अब बताओ इस कैविटी का नाम, इसका नाम, फिर से सोच के देखो, अगर मैं थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाऊं, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, कैसे सर? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सुने हो? पी इज इक्वल टू एन वाई वी आर टी, अगर मैं इसे कांस्टेंट कर दूं तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यस और नो? बताओ यहां पर प्रेशर पॉजिटिव था कि निगेटिव? नहीं सुना मैंने, और आने वॉल्यूम बढ़ाया, क्या बढ़ाया? तो प्रेशर बढ़ा कि घटा? घटा मतलब निगेटिव, और हुआ कि ज्यादा? तो मतलब कम कि ज्यादा? नहीं कम बोल रहे, कम बोल के तुमने गड़बड़ कर दिया, बिल्कुल घबराना नहीं, फिर से सोच के बताओ। मैंने बोला वॉल्यूम और प्रेशर का रेशियो क्या है? इनवर्स। क्या बढ़ाओ? क्या कम होगा? क्या आप घटाओ? क्या बढ़ेगा? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, बताइए यहां पर प्रेशर निगेटिव है, हमने ऐसी आर्बिट्री ले लिया, इट इज माइनस 10, बोलो क्या है? माइनस 10। वॉल्यूम की प्रेशर, मैंने वॉल्यूम की प्रेशर, प्रेशर माइनस 10 है, मतलब कम है, निगेटिव है। अच्छा अब हमने वॉल्यूम बढ़ाया, क्या बढ़ाया? किसका वॉल्यूम बढ़ाया? थोरैसिक कैविटी। फिर से बोलो, तो थोरैसिक कैविटी का क्या बढ़ाया? तो वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा? तो मतलब माइनस 10 से 20 की तरफ जाएगा कि माइनस 5? तो मोर निगेटिव की मोर पॉजिटिव, इसका मतलब निगेटिव और हो जाएगा। और अगर निगेटिव और हो गया तो बताओ, बताओ एयर आने की टेंडेंसी और कम की और जाएगा, तो बताओ वॉल्यूम के फैलने, मतलब लंग्स के फैलने की टेंडेंसी। तो अगर मैं थोरेसिक कैविटी को फैलाऊंगा तो लंग अपने आप फैल जाएगा। ये बात एनसीईआरटी लिखती है कि थोरेसिक कैविटी में कुछ ऐसे इंतजाम है कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल क्रिएट द सेम चेंज इन वॉल्यूम इन पल्मोनरी कैविटी। अगर मैं थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम कर दूं तो लंग्स का भी वॉल्यूम कम होगा, और लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो एयर अंदर आएगी, बाहर जाएगी, बाहर जाएगी। और अगर मैं थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दूं तो लंग्स की कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, एयर अंदर आएगी। इतना बता दो तो मैं आगे बढ़ूं, याद रहेगा? yes, बताओ थोरेसिक कैविटी याद है? ऊपर, बेस ऑफ, नीचे, आगे, पीछे, साइड में, इंटरकॉस्टल मसल, पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव प्रेशर है, निगेटिव प्रेशर की वजह से लंग यहां रखोगे तो सिकुड़ जाएंगे कि फैल फैल जाएंगे, क्योंकि किसी भी निगेटिव प्रेशर में एयर जाने की टेंडेंसी होती कि आने की? आने के, तो ज्यादातर समय पर लंग्स एयर को बुलाने की टेंडेंसी रखेंगे, क्योंकि प्रेशर इज पॉजिटिव की निगेटिव। अगर मैं थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाऊं तो वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर कम हो जाए, तो पहले से प्रेशर कम था और कम हो जाएगा, निगेटिव था तो और निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? और निगेटिव हुआ तो एयर आने की टेंडेंसी आ, तो अगर मैं थोरेसिक कैविटी को बढ़ाऊं तो क्या लंग्स की कैविटी भी बढ़ जाएगी? यस, कसम खा करके सुनो बहुत ध्यान से, थोरेसिक कैविटी और पल्मोनरी कैविटी एक ही बात की, अलग 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 अलग। इसकी कैविटी का नाम थोरेसिक कैविटी, लंग की कैविटी का नाम लंग, पक्का? और बोलते हैं थोरेसिक कैविटी और लंग कैविटी के बीच में जो लंग्स पड़े हुए हैं इनके बीच में मेम्ब्रेन है, बोलो क्या है? मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन वो है
एक मेम्ब्रेन वो है जो बेटा लंग्स की सरफेस में चिपकी हुई है। और दूसरी मेम्ब्रेन वो है जो थोरैसिक कैविटी में चिपकी हुई है। इसका मतलब थोरैसिक कैविटी और पल्मोनरी कैविटी के बीच में एक बैग है। ये केवल महसूस किया जा सकता है अगर आपका विजन 3D है। और अगर मैं लंग्स हटा लूं तो वो बैग बचेगा और उस बैग की एक मेम्ब्रेन थोरैसिक कैविटी की वॉल से चिपकी होगी, यस और नो? और दूसरी मेम्ब्रेन लंग्स के साथ चिपकी होगी, यस और नो? और इन दोनों मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरा। बोलो क्या नाम? प्लूरा। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है। कौन सा फ्लूइड? हाँ, प्लूरल फ्लूइड। इट इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। याद रखना, प्लूरा की दो मेम्ब्रेन, एक आउटर और एक इनर। इनर प्लूरा इज नोन एज विसरल प्लूरा। बोलो क्या नाम है? विसरल प्लूरा। और एक है आउटर प्लूरा, इट इज नोन एज पैराइटल प्लूरा। बोलो कौन? तो बताओ, या तो आप बोल सकते हो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में क्या भरा हुआ? फ्लूइड, एयर की फ्लूइड। एयर टाइट है लेकिन भरा क्या है? फ्लूइड। एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। फिर से बोलो। और इसी प्लूरल फ्लूइड में लंग्स बायोंसी कर रहे हैं। भगवान ने कितना बढ़िया काम किया। अगर ये फ्लूइड ना होते तो जब आप दौड़ते तो आपके लंग्स ऊपर नीचे उछलते और आपकी स्टर्नम से टकराते। किसे टकराते? स्टर्नम, पीछे रेप से, पीछे वर्टिब्री से, साइड में रेप से। बताओ बचते कि छिल जाते? और बताओ लंग्स बचते कि बेटा डिस्ट्रॉय हो जाते? डिस्ट्रॉय। तो भगवान ने आपको फ्लूइड दिया है, फ्लूइड का नाम, और इसी प्लूरल फ्लूइड की वजह से आपका फ्रिक्शन घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा। और आपके लंग्स सेफ रहेंगे। इस फ्लूइड का नाम प्लूरल। अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो भी घबराना मत, एक बार सीख लोगे तो मेरा काम बन जाएगा। चलो बताओ, थोरैसिक कैविटी और पल्मोनरी कैविटी सेम और डिफरेंट? सेम। बताओ थोरैसिक कैविटी की डेफिनेशन याद है? थोरैसिक कैविटी में ऊपर नेक, नीचे डायफ्राम, आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिब्री, साइड में रिब्स, रिब्स में इंटरकॉस्टल मसल, इसी में लंग्स डाले गए हैं। लंग्स को कैविटी का नाम पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी में चेंजेस और थोरैसिक कैविटी के चेंजेस सेम है कि अलग अलग? सेम। एक भैया, अगर मैं थोरैसिक कैविटी को बढ़ाऊंगा तो लंग की कैविटी बढ़ जाए, अगर थोरैसिक कैविटी को घटाऊंगा तो लंग की कैविटी भी घट जाए। याद रहेगा। और इनके दोनों के बीच में मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। मेम्ब्रेन का नाम प्लूरा। प्लूरा के कितनी लेयर? दो। एक लंग सरफेस पर है और एक किस सरफेस पर? हाँ, थोरैसिक कैविटी पर है। तो एक का नाम विसरल प्लूरा और एक का नाम पैराइटल प्लूरा। दोनों के बीच में फ्लूइड है। नाम बताओ, प्लूरल फ्लूइड। और इसी प्लूरल फ्लूइड में लंग्स पड़े हुए हैं और क्या बचा रहे हैं? फ्रिक्शन। ये है लंग्स कहां रहता है ये जान लो, क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पढ़ना चालू किया। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। वन थिंग मोर, ये वाला साइड इज नोन एज राइट लंग। बोलो क्या है? और ये वाला लेफ्ट। लेफ्ट लंग छोटा सा होता है राइट की अपेक्षा, क्योंकि इसमें एक नॉच होती है, दैट इज नोन एज कार्डियक नॉच। फिर से बोलो। एक क्वेश्चन कभी ये भी पूछा गया था, व्हाट इज कार्डियक नॉच? कार्डियक मतलब हार्ट, क्योंकि इसी कार्डियक नॉच के पास आपका एक ऑर्गन रखा होता है, ऑर्गन का नाम हार्ट। बोलो का हार्ट। तो हार्ट किस तरफ शिफ्टेड है? लेफ्ट साइड की राइट साइड? तो जब भी आप लोग कहते हैं भैया आप मेरे यहां रहते हो, इसका मतलब किधर? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। व्हाई यू? बिकॉज हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। इनफैक्ट हार्ट बीचों बीच होता है लेकिन उसका एपेक्स लेफ्ट की तरफ होता है। कौन? फिर से बोलो। इसलिए धड़कन हमें कहां सुनाई पड़ती है? लेफ्ट। और इस वजह से हम समझते हैं कि हार्ट हमारा लेफ्ट में। तो बताओ दोनों लंग्स में बड़ा कौन? हाँ, राइट। कौन छोटा? और याद रखना, राइट वाले तरफ में होते हैं तीन लोब। कितने लोब? यस, तीन लोब होते हैं। ये याद रखने की बात है। एक लोब ये बनाया, एक लोब ये बनाया और एक ये,
और लेफ्ट वाले में होते हैं दो लोब. कितने लोब? दो. तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि राइट लंग्स में कितने लोब? तीन लोब. और लेफ्ट लंग्स में कितने लोब? दो लोब. अगर आप इतना पढ़ा दो तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको लंग्स समझा दिए. इसके बाद मैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा. हटा दूं? नहीं सर. कितने लोब? किसमें? और राइट में? तीन लोब हैं. कौन बड़ा? कौन छोटा? कहां पर हैं? अरे यार, किस कैविटी में है? हाँ, बाउंड्री याद रहेगी? बस मेरे लिए बाउंड्री बता दो कि मैं आज के पांच महीने बाद पूछूं बाउंड्री बताओ थोरेसिक कैविटी के, तो बुक देख कर मत बोलना सर रिवाइज नहीं करे. अपनी बॉडी को रिवाइज करने की जरूरत है क्या? रोज देखा करो आईने में, तो सकल ही मत देखा करो. देखा करो कहाँ है गर्दन, कहाँ है डायफ्राम, कहाँ है स्टर्नम, कुछ और भी देखा करो. नहीं मैं कितना खूबसूरत हूँ, बस यही देखते देखते जिंदगी बर्बाद हो जा रही. चलो हटाएं. चलो अब बताओ, बोर्ड में कुछ नहीं, अब बता गए तो काम बन जाएगा. मैं बहुत रिपीटेटिव हूं मैं जानता हूं, इसके बावजूद पूछ रहा हूं. थोरेसिक कैविटी याद है? पक्का? बताओ एयर टाइट है? निगेटिव प्रेशर है? लंग्स डाले गए? लंग्स इन्फ्लेट करेंगे? अगर मैं थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा दू, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, वी बढ़ा पी और कम होगा, पी कम होगा तो एयर और आएगी. अगर मैं थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा दू तो पी बढ़ जाएगा. थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बाहर. पक्का? थैंक यू वेरी मच. क्या लंग्स दो हैं? एक कौन? राइट. दूसरा? एक राइट और एक राइट और लेफ्ट में. राइट में कितने लोब? तीन. लेफ्ट में? दो. और क्या इनमें प्लूरा है? yes, प्लूरा की कितनी मेम्ब्रेन? दो. एक कौन? विसरल. और एक पैराइटल. क्या एक आपकी रिब्स पे चपकी हुई है? yes, नाम बताओ. विसरल की पैराइटल? पैराइटल. और एक लंग्स में है? yes, नाम बताओ. विसरल. पक्का? yes, तो बोलते हैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को. कोई लिखेगा नहीं, हम एनाटॉमिकली एनाटॉमी के हिसाब से दो पार्ट में बांटते हैं. एक का नाम है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन का अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. भाइयों बहनों ध्यान से बोलो, कौन? अपर रेस्पिरेटरी. दूसरा? एक कौन सा? अपर. दूसरा? लोअर. बोलते हैं अगर एक बार आप लंग्स और उसकी पैरेन्काइमा में घुस गए, अगर आप एक बार लंग्स या फिर उसकी पैरेन्काइमा में एंट्री कर गए, आप लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हैं. वेलकम, आप लोअर में हैं. और अगर उसके ऊपर हैं तो आप अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हैं. किसमें? अपर. आइए इसके बजाय मैं बुक पढ़ाऊं, अपनी अपनी बॉडी को ध्यान से देखना. यस, दिस इज नोज. अपर है? नोज है? नहीं सर, नोज नहीं, कान है. ऐसा देख रहा है कि कौन सा है, अपना देख लो. बोलो ये क्या है? ओपनिंग है? एक्सटर्नल नेयर. बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो. नेजल कैविटी. बोलो बोलो. ये वाला? फिर से बोलो. फिर? और जहां पर जुखाम लेने पर नमकीन नमकीन महसूस होता है, कितने गंदे है ना, दैट इज इंटरनल नेयर. बोलो. बाहरी नथुने, अंदरूनी नथुने, हिंदी में बाह्य और आंतरिक. बोलो इंटरनल के एक्सटर्नल. ओपनिंग इज नेयर. ओपनिंग इज नेयर. मैं लिख रहा हूं, बताओ भैया ये वाली ओपनिंग का नाम एक्सटर्नल नेयर. मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताते जाइएगा. बहुत अच्छे डायग्राम नहीं बनेंगे क्योंकि भगवान ने आपको बहुत अच्छा डायग्राम इटसेल्फ बनाया हुआ है. तो आप अपनी बॉडी को देखिए, बताइए ये क्या है? हाँ, एक्सटर्नल नेयर. इसके बाद कैविटी में पहुंचे. कैविटी का नाम नेजल कैविटी. फिर से बोलो. नेजल कैविटी में पहुंचे, यहां पर आपको इंटरनल नेयर बढ़ेंगे. बोलो इंटरनल नेयर. मिलागा?
और इंटरनल नेयर के बाद मिलेगी फेरिंग्स। फिर से बोलो फेरिंग्स। भूल गए होगे बेटा, याद आया बक्कल चैम्बर और फेरिंग्स याद आई थी, फेरिंग्स ईसोफेगस की तरफ जा रही थी। ओपनिंग का नाम गलत, ग्लॉटिस की गलत गलत, जो मैंने पढ़ाया वो जवाब चाहिए। मैंने अभी नाक नहीं बनाई, नाक मैंने इधर बनाई है, पहले माउथ की तरफ चलो। ये क्या है? माउथ है, बक्कल चैम्बर है, बक्कल चैम्बर। ये क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन था क्या? फेरिंग्स खाने को ईसोफेगस में डालता था, लेकिन ईसोफेगस के आगे, किसके आगे, क्या एक और ट्यूब है? ट्यूब का नाम ट्रैकिया। फिर से बोलो ट्रैकिया की ओपनिंग याद है? नाम है ग्लॉटिस। बोलो ग्लॉटिस। इसके ऊपर एपिग्लॉटिस। फिर से बोलो एपिग्लॉटिस। तो इस ओपनिंग का नाम, इसका नाम गलेट। खाना कहाँ? किधर? और हवा कहाँ? ग्लॉटिस। कहाँ पर? ट्रैकिया। हाँ, ट्रैकिया का अपर मोस्ट पार्ट। क्या ये लैरिंग्स है? यस सर। यहां तक पहुंचा तो आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलो भाई ये बोलो, मैं डायग्राम अच्छे नहीं बनाता हूं, यहां फिल करो। बोलो नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर, इंटरनल, इंटरनल लेयर के बाद क्या आएगी? फेरिंग्स। फिर से बोलो फेरिंग्स इज अ कॉमन पार्ट। क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जाता है? रेस्पिरेटरी में जाता है? और फेरिंग्स जाएगा अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया, अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, एंड दैट इज नोन एज लैरिंग्स। फिर से बोलो लैरिंग्स। और लैरिंग्स आगे निकलेगी ट्रैकिया। फिर से बोलो ट्रैकिया। और ट्रैकिया जाकर के बाइफरिकेट होगी, दो भागों में बांटेगी, इट इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकाई। बोलो क्या नाम? कुछ लोग कहते सर समझ में नहीं आया, मैं कहता हूं बोलते रहो आ जाएगा। प्राइमरी ब्रोंकाई तक मतलब आप लंग्स के अंदर नहीं घुसे, जब लंग्स के अंदर घुस जाएंगे आप अपर में गए कि लोअर में? लोअर। प्राइमरी ब्रोंकाई तक अपर। आपकी बॉडी के अंदर पहुंच चुका है चीज फिर भी अपर कहला रहा। चलिए इधर बिना देखे बताओगे तो अच्छा रहेगा। बोलो एक्सटर्नल लेयर, नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर से बोलो प्राइमरी। प्राइमरी ब्रोंकाई तक पहुंचने पहुंचने लोअर की अपर, अपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लंग्स के अंदर नहीं घुसे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे ज्यादा नोटोरियस है ये भाई साहब, नाम बताओ, लैरिंग्स में पाए जाते हैं कॉर्ड। बोलो क्या? ऐसे ही बना रहा हूं, दीज आर नोन एज वोकल कॉर्ड। फिर से बोलो, और इन वोकल कॉर्ड को बिल्कुल गिटार के तार की तरह काम करना होता है। अब इधर मत देखो, गिटार के बारे में सोचो, सीखा है आपने? गिटार का तार जैसे ही प्लग करते हो आवाज आती है, भले ही वो मधुर ना हो, बजाने वाले अच्छे से बजाते हैं, लेकिन हर बार आवाज जरूर आएगी अगर आप उस तार को खींचो। ऐसे ही बेटा वोकल कॉर्ड आपके ट्रैकिया की ओपनिंग में पड़े हुए हैं, कहां पर? लैरिंक्स। फिर से बोलो, और ये तार एकदम खिंचे हुए पड़े, और जैसे ही इनमें एयर टकराएगी, क्या टकराएगी? एयर, इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन। ये तार हिलते हैं, जैसे ही ये हिलते हैं एक साउंड प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड। चलो सांस अंदर लेते हुए बोलने की कोशिश करो, पॉसिबल नहीं, अजरा जब बोलो तो बताओ सांस अंदर आ रही कि बाहर? और जैसे ही तुमने बाहर एयर थ्रो की, किस पे टकराई? वोकल कॉर्ड। किस पे? वोकल कॉर्ड। और जैसे ही वोकल कॉर्ड में टकराई, क्या वोकल कॉर्ड हिले? वोकल कॉर्ड हिले। ला बेटा तुम जाओ, थैंक यू वेरी मच। और जब यहां आया करो तो मोबाइल बंद करके आया करो, चलो भागो। बताओ एक्सपायरेशन किया? Yes, sir. किस पे पड़ा? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड हिले? Yes, sir. तो आवाज पैदा हुई, आवाज इज साउंड, इसीलिए इस बॉक्स का नाम साउंड बॉक्स। एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है। तो बताओ साउंड बॉक्स आपका कौन है? फेरिंग्स की लैरिंग्स? लैरिंग्स। व्हाट इज नोन एज लैरिंग्स? अरे यार सब कच्चा कर देते हो। फेरिंग्स की लैरिंग्स? लैरिंग्स। लैरिंग्स में कार्टिलेज पड़े हुए हैं? Yes, sir.
इनमें कॉर्ड है, कॉर्ड का नाम वोकल कॉर्ड, इंस्पायरेशन के एक्सपायरेशन, एयर थ्रो किया कॉर्ड हिले आवाज पैदा हुई, आवाज को शब्द दिए टंग ने, किसने? अगर आपकी टंग काट ली जाए आवाज नहीं निकलेगी, निकलेगी लेकिन शब्द नहीं। आपकी टंग पकड़ लो आवाज निकालो, निकलती है नहीं निकलती? अरे कितनी देर चिल्लाए हैं बताओ, इट इज बजाक मत करो। साउंड प्रोड्यूस करना इज नॉट द फंक्शन ऑफ टंग, साउंड प्रोड्यूस करना इज द फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। लेकिन इस साउंड को सिलेबल्स, सिलेबल्स मतलब शब्द देना किसका काम? टंग। अब टंग पकड़ करके तुम कुछ बात बोलो आवाज निकलेगी, बात नहीं बोल पाओगे, तो सिलेबल्स कौन? हाँ टंग। और साउंड कौन? लैरिंग्स। एंड दैट्स व्हाई लैरिंग्स इज नोन एज साउंड बॉक्स। प्रतीक हो गया ना? अब इधर देखो, गाली दे रहे, बेटा आपने वो पिक्चर देखी गोलमाल? ये उसके तुषार कपूर हैं, इनको कुछ भी सिखाओ इनके मुंह से वही निकलना है। इधर देखो, हम कुछ का कुछ पढ़ाए जा रहे हैं, हमें लग रहा कुछ सीख जाओ, और नहीं तो एक तरफ से लिख दूंगा जो कुछ है, जो कुछ है बस जाओ मरो। ये जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ने वाला, अगर एमबीबीएस कर लिया तो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ने वाला। मुंह खुलवा के दिखाओगे, बेटा बुखार कितने दिन से, मुंह खोलो, कहां दिखाई पड़ेगा? लैरिंग्स और फैरिंग्स। लैरिंग्स देखने के लिए एक स्कोप लगानी पड़ती, वोकल कॉर्ड दिखाई पड़ते हैं, लैरिंजोस्कोप। मुंह खोल के डॉक्टर साहब कहां देखते हैं? कुछ नहीं, ऐसे मजे मजे मुंह खुलवाते हैं, देखते हैं प्रवंजन करके आए कि नहीं आए। जब आप ज्यादा तेज किसी दिन चीखे, आपका वोकल कॉर्ड खिंच गया, वोकल कॉर्ड खिंच जाने की वजह से स्प्रेन आ गया, अब आप आवाज निकाल ले बोले गला बैठ गया, गला बैठा बैठा नहीं है, वोकल कॉर्ड खिंच गया है। इसका मतलब साउंड प्रोडक्शन बढ़ा कि घट गया? घट गया। आप फटी फटी आवाज आ रही, हाँ अभी इधर ध्यान दोगे तो काम आएगा। चलो यहां तक पहुंचा मुझे, यहां तक बता पाओगे? yes, बिना देखे? yes, बोलो एक्सटर्नल नहीं है। हाँ बस बस गाली बंद करो, एक्सटर्नल नेयर, नेजल कैविटी, इंटरनल नेयर, फैरिंग, लैरिंग, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई तक, अपर की लोअर? अपर हो गया। अब जवाब देना, यहां पर एक लोब की, दो लोब की, तीन लोब? तीन लोब। तो अभी डायग्राम तीन लोब को मैं ऐसे ही बना पाऊंगा तो आपको तीन माना, एक्चुअली तीसरा लोब यहां होता है। हर लोब के लिए प्राइमरी ब्रोंकाई एक एक छोटा 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 ट्यूब निकालेगा, पहले के लिए निकालेगा, दूसरे के लिए निकालेगा और तीसरे के लिए निकालेगा। दीज ब्रोंकाई आर नोन एज सेकेंडरी ब्रोंकाई। बोलो प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई। आगे का चीज तुम संभाल नहीं पाओगे इसलिए मैं अभी जितना बोल रहा हूं सुनते जाओ। तो बताओ राइट साइड में कितने सेकेंडरी ब्रोंकाई? तीन। तो लोब कितने? तीन। तो तीनों लोब के लिए एक एक ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और इधर कितने? पांच। दो। कितने? दो। आगे बोलो, ये वाला प्राइमरी ब्रोंकाई, ये वाला? अब मैं आगे जो बना रहा हूं उसको यहां बना पाना पॉसिबल है इसलिए मैं बनाता जाऊंगा। सेकेंडरी ब्रोंकाई और फाइनर ट्यूब में टूटे, और फाइनर ट्यूब में टूटे, दीज आर नोन एज टर्शियरी ब्रोंकाई। केवल लिखा है, आप पहले इधर देखते जाओ, इसी के अंदर टूट रहे वो सब। टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर और फाइनर ट्यूब में टूटे, और पतले पतले ट्यूब में टूटे, दे आर नोन एज इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल और फाइनर ट्यूब में टूटे, दे आर नोन एज टर्मिनल ब्रोंकियोल्स।
टर्मिनल ब्रोंकियोल और फाइनर होते गए, दे आर नोन एज एल्वुलर डक्ट। अब मेरे पास जगह नहीं है, कोशिश कर रहा हूं। एल्वुलर डक्ट और आगे के रूप में बेटा टूटी, इट इज बड़ा बनाना ही पड़ेगा क्योंकि और फाइनल नहीं कर सकते, इट इज नोन एज एट्रिया। मान लो ये एट्रिया आ गई, एट्रिया फर्दर बेटा टूटे छोटे छोटे चैंबर में, दिस एट्रिया इट इज एल्वुलर डक्ट, इट इज एट्रिया। एट्रिया के बाद एक सैक बना, दैट सैक इज नोन एज एल्वुलर सैक। फिर से बोलो, एल्वुलर सैक। और एल्वुलर सैक फाइनर सबसे छोटे स्ट्रक्चर में बने, दे आर नोन एज एल्वियोलाय। आई नो दैट कि ये बहुत अच्छा डायग्राम नहीं है, छोड़ दो, मैं जिंदा हूं अभी, मरा नहीं हूं, इसलिए जितना मैं लिखता जाऊं मेरे साथ चार्ट बनाते जाओ, बाकी डायग्राम मैं बना दूंगा। बोलो, नोज, नोज में कहां एक्सटर्नल मेयर, फिर बोलो, बोलोगे नहीं तो मरोगे, और कहीं भी मत देखना, अपनी बॉडी देखते रहना, एक्सटर्नल मेयर के बाद, अरे एक्सटर्नल नेयर के बाद नेजल कैविटी, फिर एक्सटर्नल की इंटरनल, इंटरनल नेयर आया, फिर फैरिंग्स आया, थैंक यू वेरी मच, फैरिंग्स के बाद, फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या ट्रैकिया आया, थैंक यू वेरी मच, ट्रैकिया के बाद हाँ प्राइमरी ब्रोंकाई। बताओ यहां क्या समाप्त हुआ, हाँ अपर, ये रहा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इतना बोल दोगे मेरा काम बन जाए ना, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद, यस प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी के बाद टर्शरी ब्रोंकाई, नाम जानना ज्यादा जरूरी है। टर्शरी के बाद इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर डक्ट के बाद एट्रिया, एट्रिया के बाद एल्वुलर सैक, एल्वुलर सैक के बाद एल्वुलाई। सो विच इज द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर, एल्वुलाई, इट इज अपर, इट इज लोअर। पहले तो ये चार्ट आपको आना चाहिए, फिर मैं इस चार्ट में वो स्ट्रक्चर बनाऊंगा जो आप स्ट्रक्चर बनाने के लिए एकदम उत्साहित हो कि सर आपने क्यों हटा दिया, उस स्ट्रक्चर में कुछ था नहीं, आपको इस स्ट्रक्चर को समझना ही पड़ेगा। चलो बताओ भाई, पहला बोलो एक्सटर्नल लेयर, फिर नेजल कैविटी, फिर इंटरनल लेयर, फिर फैरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर प्राइमरी, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंक, फिर से बोलो, फिर इनिशियल ब्रोंक, फिर टर्मिनल ब्रोंक, फिर एल्वुलर डक्ट, फिर एट्रिया, फिर एल्वुलर सैक, फिर एल्वुलर। हो गया, हटा दे, ये हो गया तुम्हारी चार्टिंग। क्या कर रहे हो यार, इसी में टाइम लगा दोगे तो पढ़ोगे क्या, हटा दें। अब मैं पूरा पार्ट नहीं बना रहा हूं, मैं जो बना रहा हूं उसको बताओ, इट इज लैरिंग्स, फिर से बोलो, ये क्या है, हाँ ट्रैकिया, ये बोलो क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई, बोलो क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई, यस।
फायरिंग्स के बाद सबसे ऊपर वाला पार्ट। अरे यार सुनो, फिर ट्रैकिया कहाँ? नेक में। बोलो कहाँ? ट्रैकिया कहाँ? थोरैसिक कैविटी। फिर से बोलो। और थोरैसिक कैविटी में बीच में, कहाँ पर? बीच में। दैट इज नोन एज मिड थोरैसिक कैविटी। घर जाके पढ़ना जरूर एनसीईआरटी, इतनी मेहनत की जा रही, तो एक एक लाइन पढ़ना। और बोलते हैं मिड थोरैसिक कैविटी में भी कहां? पांचवी वर्टिब्री के पास। बोलो किसके बीच में? पांचवी। हम गए काम से, हम कल से जो पढ़ा रहे बर्बाद हो गए, तुमने सुना नहीं। बताओ क्या ये वर्टिब्रा है? यस सर। ये है? यस सर। ये भी वर्टिब्रा है? यस सर। इधर भी है? यस सर। कल मैंने वर्टिब्री की लाइन पढ़ाई थी, आपको याद है? यस सर। बताओ ये नेक की वर्टिब्रा है? यस सर। बोलो क्या? सर्वाइकल। हाँ, फिर ये क्या है? थोरैसिक है। फिर ये लंबा। हाँ, लंबर। फिर सैक्रल और कोकेक्स। क्या कोकेक्स भी है? yes, तो गर्दन में जो है इनका नाम सर्वाइकल। फिर से बोलो। चेस्ट के पीछे थोरैसिक, पेट के पीछे लंबर। हाँ, और आपकी पेल्विक ग्लैंड के पीछे सैक्रल। फिर से बोलो। और नीचे कोकेक्स। मरते हम यहां पर है जब आप याद नहीं रखते हो। बताओ अब इधर देखो, ये देखोगे मरोगे ही मरोगे। बोलो ये। हाँ, तो गर्दन की वर्टिब्री, चेस्ट के पीछे, पेट के पीछे, जहां बैठते हो सैक्रल, सबसे पीछे कोर्टेक्स। तो इसे अपने ही बॉडी में फील करो। ये बोलो, ये 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 जहां बैठ रहे हो दैट इज सैक्रल, और उसके सबसे पीछे कॉर्टेक्स। और कल ही मैंने पढ़ाई थी कि लंग्स आपकी गर्दन में है ही नहीं, तो आप क्यों घबरा रहे हो? लंग्स आपकी किस कैविटी में? थोरैसिक। क्या ये थोरैसिक वर्टिब्रा है? और आज सुबह से यही चिल्ला रहे, आगे एक बोन है, बोन का नाम स्टर्नम। और क्या यहां पर एक डायाफ्राम है? बताओ इस कैविटी का नाम थोरैसिक कैविटी। इसी थोरैसिक कैविटी में हमारी ट्रैकिया घुसी। इधर से था माउथ और ये ट्रैकिया घुसी, और ट्रैकिया घुसने के बाद कहां आई? मिड में। बोलो कहां? मिड। और मिड थोरैसिक कैविटी में आकर के ये बाइफरिकेट हुई, एक पार्ट की दो पार्ट। और यहां पर दो पार्ट दिखाई नहीं सकता क्योंकि साइड दिखा रहे, तो लंग्स दिखाना पड़ेगा। और यहां पर क्या बना? लंग्स। फिर से बोलो। लंग्स। एक लंग की दो। तो बोलते हैं मिड थोरैसिक में कहां पर ये बाइफरिकेट हुई? थोरैसिक वर्टिब्रा के सामने, और वो भी 5 से 7 के बीच में। बुक ने क्या लिखा है? 5। बुक में क्या लिखा है? 5। पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा के ठीक सामने। तो बताओ थोरैसिक वर्टिब्रा आगे की पीछे? पीछे। लेकिन ट्रैकिया डिवाइड हो रही, पीछे की आगे? आगे। लेकिन किसके सामने? पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा। सो प्लीज गर्ल्स नेवर डोंट ट्राई इट, बॉयज ट्राई इट। आपकी स्टर्नम में सबसे उभरा हुआ पार्ट, फील इट एवरीवन। जहां पर भी स्टर्नम में जब सबसे उभरा हुआ पार्ट है, दिस इज नोन एज बाइफरिकेशन पॉइंट ऑफ ट्रैकिया। पूरी स्टर्नम में एक पार्ट ऐसा होगा जो बाकी जगह से ज्यादा उभरा होगा। कितने लोगों को मिला? हाँ, बाकी लोग बेवकूफ हैं, केवल चेहरा ही देखते रहते हैं। दिस पार्ट इज इन फ्रंट ऑफ द फिफ्थ वर्टिब्री। कौन सी? फिफ्थ। और इसी फिफ्थ वर्टिब्री के पास आपका ट्रैकिया डिवाइड होकर क्या बनाता है? प्राइमरी बोन। मैं इतना ज्यादा क्यों इसको पढ़ाने के चाहता हूं? क्योंकि आप ये मत भूलो तो मेरा काम बन जाए जो एनसीईआरटी में लिखा। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, मैं ये नहीं भूलना चाहता हूं कि ये बाइफरिकेशन पॉइंट कौन सा है। इट इज फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। और बच्चे कई बार घबरा करके मुझसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि सर वर्टिब्री तो पीछे है, ट्रैकिया आगे है, तो पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा पे कैसे डिवाइड होती है? तो मैं कहता हूं यहां से एक पिन डालो, और वो पिन कहां निकलनी चाहिए? पांचवी। तो वो पिन किसको पियर्स करती हुई जाएगी? ट्रैकिया। और उस पॉइंट को, पॉइंट का नाम
मिड पोर्शन एंड मिड थोरेसिक कैविटी के पास क्या डिवाइड होगा? ट्रैकिया, किसमें? प्राइमरी ब्रोंका, और प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद ये क्या है? लंग्स, हाँ लंग्स, और इन लंग्स में कितने लंग्स? दो, एक छोटा और एक बड़ा। कौन वाला बड़ा? राइट, दिखने में ये बड़ा दिख रहा है। आप प्लीज मेरे डायग्राम को माफ कर दिया करो, बस सोचा करो ये वाला छोटा कि बड़ा, एक लोब की तीन लोब इसमें। अब देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ बनाने की, मैं बना नहीं पाऊंगा लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। बोलो ये कौन सी ब्रोंकाई? तो यहाँ पर तीन निकले, प्राइमरी की सेकेंडरी, हाँ तो ये रहा प्राइमरी और ये सेकेंडरी। मैं यही लिख रहा हूँ, इनका नाम बताओ, ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई हुआ। तो मैं थक गया हूँ कि आप? कोई नहीं, तो जवाब दो, ये वाला ब्रोंकाई, ये फर्दर डिवाइड हुआ। बोलो टर्शियरी, हाँ टर्शियरी फर्दर डिवाइड हुए। बोलो हाँ, इनिशियल ब्रोंकियोल। मैं एक ही बात को बार बार पढ़ाता हूँ कि आपको आ जाए। इनिशियल ब्रोंकियोल फर्दर डिवाइड हुए। बोलो क्या ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है? टर्मिनल ब्रोंकियोल याद रहेगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल फर्दर डिवाइड हुए। बोलो एल्वियोलर डक्ट याद आ गया। और एल्वियोलर डक्ट यहाँ के बाद का डायग्राम यहाँ बना दूँ। एल्वियोलर डक्ट आगे एट्रिया, बोलो एट्रिया, और फिर एल्वियोलस, हाँ एल्वियोलस, और ये वाला एल्वियोलर। तो अगर बेटा ये आपका ब्रोंकियोल टर्मिनल ब्रोंकियोल है, बोलो सॉरी, ये रेस्पिरेटरी टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद एल्वियोलर डक्ट, अगर ये आपकी एल्वियोलर डक्ट है, कौन सी एल्वियोलर, तो भैया टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल भी आता है, आपको मानना पड़ेगा। कौन सा ब्रोंकियोल? रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद एल्वियोलर डक्ट। तो एल्वियोलर डक्ट जहां ओपन होती है उसका नाम एट्रिया, फिर से बोलो, और इनके अपने सैक है, सैक का नाम एल्वियोलर सैक, हां और एल्वियोलर सैक जिन पाउच लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं, दीज आर नोन एज एल्वियोलर, और एल्वियोलाई से छोटा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं इसे यहां बनाऊं तो इट इज लाइक समथिंग दिस, बताओ ये क्या है? पीछे से चलेंगे, पीछे से बोलो, एल्विलाई के बाद एल्विलर सैक, एट्रिया, एल्विलर डक्ट, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, सॉरी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ब्रोंकियोल, ट्रैकिया, लैरिंग, फैरिंग, इंटरनल नेजल कैविटी, एक्सटर्नल। पक्का? और अभी भी लिखाना पड़ेगा, अभी भी भूल जाएंगे सर, तो फिर अब हमसे तो ना हो पाएगा। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितना ट्रैक्ट? अपर और मम्मी कसम है, अगर नोटबुक देखी तो आई गेट इमोशनल, अगर अभी भी नहीं आया तो मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। अपर और लोअर, लंग्स के अंदर, लंग्स के बाहर, इसीलिए बोलते हैं जुखाम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिसीज है। जुखाम मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रैकिया लैरिंग्स तक तुम्हें परेशान कर सकता है, उसके नीचे नहीं। लेकिन निमोनिया लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी, इसीलिए बीमारियां दो प्रकार की, एक अपर और एक लोअर। और एक बदतमीज कोरोना आया जो अपर से चला, क्या वो अपर में जुखाम कर देता है? यस सर। लोअर में निमोनिया कर देता है? यस सर। कोरोना अजीब ही है, अपर से लेकर लोअर। जब आप कोरोना की डेथ देखते हैं तो डेथ जुखाम की वजह से नहीं, निमोनिया की वजह से हो रही। थक गए? आप एक बार बोलोगे, मैं बहुत रिपीटेटिव होने के बावजूद भी आपसे एक बार बोल रहा हूं, बिना देखे बोलना, मम्मी कसम है अगर किसी ने भी देखा तो। और एल्वियोलाई के पहले रुकना नहीं है, रुकोगे? बोलो अक्षर में, नेजल कैविटी, इंटरनल फैरिंग, लैरिंग, ट्रकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक,
क्या बात है यार, है ना। मैं कभी ना कभी इसका एहसान आपका चुकाऊंगा। आप लोग इतना अच्छा पढ़ते हो कि क्या बताए, कोई भी पढ़ाए आपको आएगा। यस और नो? यस। अच्छा बताओ, ट्रैकिया जो भी है क्या इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज है? अब छू करके देखो अपनी ट्रैकिया, क्या यहाँ पर सी शेप्ड बाहर दिखाई पड़ रहा है? सर हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। ऐसे हिलाओगे तो दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेज, ऐसे सी शेप सेमी सर्कुलर कार्टिलेज है, एंड दीज कार्टिलेज आर नोन एज हायलिन कार्टिलेज। बोलो क्या? चुप रहो यार, जवाब देने दो मेरे को, क्वेश्चन का सुनने दो। ये जो ट्रैकिया के कार्टिलेज हैं, ये कार्टिलेज इसे इम्परमिएबल बनाते हैं। कैसा? इसका मतलब अगर कोई गैस इसके अंदर गई है तो बाहर निकलेगी, और इसके अंदर भी नहीं जाए। इसका मतलब आप ट्रैकिया के थ्रू सांस नहीं ले सकते कि ट्रैकिया से एयर घुस जाए। नो, नॉट पॉसिबल। किससे घुसेगी? एक्सटर्नल लेयर। इसका मतलब परमिएबल कि इम्परमिएबल? इम्परमिएबल। व्हाई दिस हैव? इसका मतलब है प्राइमरी ब्रोंकाई में भी यही कार्टिलेज होंगे। यस सर, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी यही कार्टिलेज है। तो परमिएबल कि इम्परमिएबल? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकियोल में भी यही कार्टिलेज है। भाई बुरा मत मानना, ऐसा है। सेकेंडरी के बाद टर्सरी में भी यही कार्टिलेज है। इनिशियल ब्रोंकियोल में भी यही कार्टिलेज है। इवन टर्मिनल ब्रोंकियोल तक यही कार्टिलेज है। इसका मतलब टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आप गैस को केवल कंडक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंडक्ट, एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसलिए नोज से लेकर, बोलो कहां से, टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आप केवल और केवल गैस का क्या कर रहे हैं? कंडक्शन। फिर से बोलो, एंड दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज नोन एज कंडक्टिंग पार्ट। फिर से बोलो, कंडक्टिंग पार्ट। कुछ लोगों ने हवा बना के रखा है, एक बार पढ़ो लेकिन हमेशा के लिए पढ़ो। तो कहां तक गैसेस केवल कंडक्ट की जा सकती है? टर्मिनल ब्रोंकियोल, एक्सचेंज नहीं की जा सकती। यहां से ऑक्सीजन घुसी तो बेटा केवल कंडक्ट होकर के यहां तक पहुंची टर्मिनल ब्रोंकियोल, और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद पहली बार ब्रोंकियोल बने जिनका नाम था रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल। खुद सोचो, इनका नाम भगवान ने बेटा आपकी एनसीईआरटी ने तो लिखा ही नहीं, बाकी साइंटिस्ट ने क्या नाम रखा है? रेस्पायरेटरी। क्योंकि ये वो जगह है जहां पर ब्लड वेसल्स इन्हें सराउंड करने लगी। कौन? ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल से इन्होंने गैस एक्सचेंज करना चालू किया। चूंकि इनका नाम है रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, तो केवल कंडक्शन कर रहा है कि एक्सचेंज भी कर रहा है? एक्सचेंज। तो आफ्टर टर्मिनल ब्रोंकियोल कंडक्शन के साथ साथ एक्सचेंज भी चलने लगा। क्या चलने लगा? एक्सचेंज। और फाइनल एक्सचेंज एल्वुलाई पर हुआ। कहां पर? एल्वुलाई। तो एल्वुलाई पर जो गैसेस पहुंची, याद रखना, इन एल्वुलाई के चारों तरफ एक कैपिलरी आई। क्या आई? कैपिलरी। और कैपिलरी में इन गैसेस को एक्सचेंज किया गया। तो ये एक्सचेंज फाइनल कहां हुआ? एल्वुलाई। लेकिन शुरू कहां हुआ? रेस्पायरेटरी। तो बताओ, रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर एल्वुलाई तक केवल कंडक्टिंग के एक्सचेंज, इट इज नोन एज एक्सचेंज पार्ट, या फिर रेस्पायरेटरी पार्ट। और ऐसे भयानक भयानक क्वेश्चन बनते कि तुम क्या याद करो और क्या भूल जाओ, तुम्हें खुद ही नहीं मालूम। इसलिए पूरा सीक्वेंस आना चाहिए, और फिर उस सीक्वेंस में कहां तक केवल कंडक्शन होगा ये आना चाहिए, और कहां के बाद कंडक्शन के साथ क्या चालू होगा? रेस्पायरेशन, ये आना चाहिए। चलो बता पाओगे? पूरे रेस्पायरेटरी सिस्टम को मैंने एनाटॉमी की बेसिस पर दो पार्ट में बांटा था, अपर एंड लोअर। फंक्शन की बेसिस पर कितने प्रकार का? दो, एक कौन? कंडक्टिंग, और एक एक्सचेंज पार्ट और कंडक्टिंग। क्वेश्चन में जवाब नहीं आया। एनाटॉमी की बेसिस पर अपर एंड लोअर, किसके? फंक्शन की एनाटॉमी, और फंक्शन की बेसिस पर दो, एक कौन? कंडक्टिंग, दूसरा रेस्पायरेटरी।
और एक्सचेंज पार्ट, याद रहेगा? हटा दें इसे? नो सर। बताओ कहां तक है कंडक्टिंग? चलो एक बार बोलो, एक्सटर्नल लेयर, नेजल कैविटी, इंटरनल लेयर, फेरिंग, लैरिंग, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, स्पेशल ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकस। यहां तक गैस केवल कंडक्ट, और उसके बाद कंडक्शन भी होगा, एक्सचेंज भी होगा, और एलुलाई में केवल एक्सचेंज। नहीं आया तो बताओ, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया, एनाटॉमी की बेसिस पर अलग और फंक्शनल की बेसिस पर अलग। एनाटॉमी की बेसिस पर कितने प्रकार? दो, एक कौन? अपर, दूसरा लो, और फंक्शन की बेसिस पर दो, एक और कंडक्टिंग, दूसरा रेस्पिरेटरी। और जिसको भी ये लग रहा होगा कि सुनील सर अपने मन से ये पढ़ाए जा रहे हैं, बुक में नहीं दिया है, तो आज जाके एनसीईआरटी को दोबारा पढ़िए और फील करिए। एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन योर बुक। हाँ भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। इधर देखो, ये ट्रैकिया है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा मुसीबत में हूं मैं। बताओ ये जो मैंने लोटा बनाया है, लोटा है कि एलुलाई है? यहां तक पहुंचा दोगे? यस सर। चलो, ई बाबू का नाम है एटमॉस्फेयर। का नाम है एटमॉस्फेयर। ई बाबू हमको बताए हैं कि हम नाइट्रोजन कितना रखते हैं? 78%। हाँ, ऑक्सीजन 21%। रेस्ट ऑफ गैसेस 1%। 78 और 21 तो 99% एटमॉस्फेयर में दो गैसेस, बोलो कौन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और रेस्ट ऑफ 1%। तो 1% के अंदर ही CO2, अबाउट 0.04%। ये मैंने फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था। तो भैया मेरे, जब ये गैस एटमॉस्फेयर से खींची गई तो ऐसे चली कि मैं नाक से गई, नेजल कैविटी मुझे मिली, इंटरनल नेयर मिले, फेरिंग्स मिली, लैरिंग्स मिली, ट्रैकिया मिला, प्राइमरी ब्रोंकाई मिली, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। एंड जस्ट फील इट, आपकी एल्विलाई में जो गैस आई है वो कहां से आई है? एटमॉस्फेयर। और हमारी कंसर्न गैस नाइट्रोजन नहीं है। ऑल्दो नाइट्रोजन यहां पर बहुत है, ऑल्दो है बहुत, लेकिन रेस्पायरेशन के दौरान हमें नाइट्रोजन से मतलब नहीं है। हम किस पर ध्यान लगाएं? ऑक्सीजन। तो चूंकि एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं एल्विलाई में ऑक्सीजन ज्यादा। क्यों? भूल गए यार, हम पढ़ा क्या रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चली के तो रहे हो 21% ऑक्सीजन, 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 कुछ ऑक्सीजन का कुछ हुआ थोड़ी ना, कंडक्शन ही तो हुआ है। अभी भी तो बोले थे कंडक्शन पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। पहले तो तुम पढ़ने की टेंशन को दूर हटाओ। ऐसे सोचो, इस बकवास आदमी को थोड़ी देर बकवास सुननी है, पेन वेन अलग रखो, क्योंकि पढ़ाया तो आपको बहुत सारे टीचर ने, बहुत अच्छा है, मेरे से भी ज्यादा अच्छा। बस इसको फील करो, जैसे ही आपने सांस ली आप अंदर तक ले गए, और कहां पर जाकर गैस रुकी? एल्विलाई। रास्ता तुम्हें को बता दिया मैं, नोज पक्का हो गया, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाइटिस, सेकेंडरी ब्रोंकाइटिस, टर्शियरी ब्रोंकाइटिस, टर्मिनल ब्रोंकियल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइटिस, एट्रिया, एल्विलाई। अब एल्विलाई तक जब आप पहुंचे तो आप यही ऑक्सीजन लेके जा रहे हो, एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन भी लेके जा रहे हो, लेकिन नाइट्रोजन कंसर्न गैस नहीं है, क्योंकि हमको इससे रेस्पिरेशन नहीं करना। किसे करना? ऑक्सीजन। सो आई एम वेरी मच श्योर कि जो हमारी एल्विलाई है, कौन बेटा? एल्विलाई। आई एम सॉरी बेटा, अगर आपको कुछ भी बुरा लग रहा है, मैं ऐसे ही पढ़ा पाता हूं। बोलो ये कौन है? एल्विलाई। तो जो एल्विलाई में गैसेस आई हैं, इनमें एक चीज ज्यादा है, बोलो क्या? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन। और इधर सेल्स बैठी हुई हैं। सेल्स मतलब टिश्यू, बोलो कौन? टिश्यू।
और बोले टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल, फिर से बोलो, और सेल बहुत तेजी से जिंदा रहना चाह रही है, और जिंदा रहने के लिए इनको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पहले चैप्टर में बताई गई, बोलो क्या, मेटाबॉलिज्म, बोलो क्या, मेटाबॉलिज्म, चिल्ला तो चुके ही हो, बताओ जिंदा रहने की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, प्रतीक बात मत करो, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म। तो अगर सेल जिंदा है, अगर सेल जिंदा है तो क्या करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म, और अगर मेटाबॉलिज्म किया तो सेल निकालेगी CO2, बोलो क्या, CO2। ध्यान से देखो, टिशू चिल्ला रहे हाय राम मुझे CO2 बढ़ गई, बोले क्यों बढ़ गई, का गलती की, मेटाबॉलिज्म, काहे की, जिंदा रहना, अगर जिंदा रहना है तो क्या करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म, और जिंदा रहे मेटाबॉलिज्म की तो क्या बढ़ गई, CO2, और इधर से चली आ रही है ऑक्सीजन, बताओ यहां CO2 ज्यादा की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, टिशू यहां, लंग्स यहां, लंग्स कह रहा मेरे से ऑक्सीजन ले लो, टिशू कह रहा काश तुम मेरे को ऑक्सीजन भेज दो, क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन की कमी है और मेरे पास क्या ज्यादा है, CO2। तो बोले भैया किससे काम करवाएं, कोई एक ब्रोकर चाहिए, और इसी ब्रोकर का नाम है, इसी ब्रोकर का नाम है, नाम तो सुना ही हो, बोलो कौन, हाँ, इस ब्रोकर का नाम है हार्ट। हार्ट ने कहा, देखो मजाक करना हो कर लो, पर जब मैं सीरियस हो जाऊं एकदम सुनो, इस हार्ट ने कहा कि चिंता मत करो, हम टिशू की कार्बन डाइऑक्साइड उठाएंगे, वेन में भरेंगे, और इस वेन को राइट साइड पर ला करके छोड़ देंगे, ये रहा वो राइट साइड। तो जो बेटा टिशू की तरफ से आ रही हैं, दे आर द वेन्स, बोलो क्या, वेन्स, थोड़ा ज्यादा है लेकिन संभाल लेना, क्या आ रही है, वेन्स, वेन्स जो आ रही हैं, एक ब्लड लेके आ रही हैं, उसमें क्या ज्यादा, CO2, ऑक्सीजन कम CO2 ज्यादा, इस तरीके के ब्लड को बोला गया डीऑक्सीजिनेटेड, फिर से बोलो, तो टिशू ने कहा पिंड छूटा, मेरे पास CO2 थी, मट्टी पाओ मैंने किसको दे दी, ब्लड, ब्लड ने कहा कि ठीक है तुमने मुझे दे दी, मैंने कहां दिया, हार्ट को, हार्ट ने दिया एट्रियम से वेंट्रिकल, फिर से बोलो, वेंट्रिकल ने ये ब्लड दिया पल्मोनरी आर्टरी को, बोलो क्या, पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल घबराओ मत, ये जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वापस निकला और कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी उसे कहां ले गई, लंग्स, फिर से बोलो, और लंग्स का मतलब एल्विलाई, फिर से बोलो, एल्विलाई, तो जो मैं पूछू वही बताना, बताओ ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, क्या ये आर्टरी है, yes, उसकी कैपिलरी है, yes, तो बताओ अगर यहां CO2 ज्यादा तो हार्ट में भी CO2, तो लंग्स में भी CO2 कम की ज्यादा, ज्यादा, तो बताओ इस पूरे के पूरे ब्लड में CO2 कम की ज्यादा, ज्यादा, और CO2 ज्यादा, मैं यहां लिख रहा हूं CO2 ज्यादा कहां पर, ब्लड में, फिर से बोलो, और बताओ लंग्स में CO2 कम, डिफ्यूजन याद है, द थिंग्स विल मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, तो बताओ CO2 कहां ज्यादा, ब्लड में, तो क्या CO2 ब्लड से, क्या एल्विलाई पर गई, yes, sir, बाहर निकल गई, yes, sir, तो बताओ ऑक्सीजन यहां पर कम की ज्यादा, कहां ज्यादा, तो क्या एल्विलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आई, yes, क्या हुआ, एक्सचेंज, मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा, केवल क्या पढ़ा, एक्सचेंज, जवाब दो, क्या एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन कहां आई, ब्लड में, और CO2 कहां गई, एल्विलाई, अब ऐसी ऐसा ब्लड जिसमें क्या आ गई, ऐसे ब्लड को बोला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से बोलो, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देख करके फिर से टिशू ललचाए, भैया हमें भेजो हमें भेजो, बोले रुक को ब्रोकर कौन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया गया हार्ट को, किसको दिया गया, हार्ट,
हार्ट के पास आया राइट साइड की लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, फिर आया लेफ्ट साइड वेंट्रिकल, फिर से बोलो, फिर यहां से बनी एओर्टा, फिर से बोलो एओर्टा, और एओर्टा इस ब्लड को लेकर आई। बताओ ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? यहां पर क्या ज्यादा ऑक्सीजन, कहां गई टिश्यू गई, और यहां क्या ज्यादा CO2 कहां आई? बताओ क्या डिफ्यूजन हुआ? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। अगर आपने बता दिया मेरा काम बन जाएगा। बताओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक जगह की दो जगह? एक कहां? एल्वोलाय, दूसरा कहां? टिश्यू। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो यार, एकदम हीरो हो तुम। बताओ गैस का एक्सचेंज एक जगह की दो जगह? एक कहां? एल्वोलाय, और एक कहां? अगर एल्वोलाय का एक्सचेंज बता सको तो मान जाए। एल्वोलाय का एक्सचेंज में क्या ब्लड में आई, क्या निकली? टिश्यू में जो हुआ क्या ब्लड में आई? CO2। ब्लड में क्या आई? CO2। क्या निकली? ऑक्सीजन। क्या ये डिफ्यूजन है? यस सर। आप जो बोलेंगे मैं वही लिखूंगा, इसलिए सोच समझ के बोलना। क्या ये डिफ्यूजन है? यस सर। पर क्या ये डिफ्यूजन एल्वोलाई में है? यस सर। डिफ्यूजन एट टिश्यू। दो गैसेस हैं, एक कौन? CO2 और O2। पक्का? क्या ये भी डिफ्यूजन है? yes, इसमें सोच के बोलना, क्योंकि मैं वही लिख रहा हूं जो तुम लिखवा रहे हो। क्या ये डिफ्यूजन है? yes, सर ये भी डिफ्यूजन है। किसका? O2 और CO2। पक्का? yes, पर क्या सर CO2 टिश्यू में ज्यादा है? yes, थको मत। सुर हमेशा खराब तब लगते हैं जब आलाप लेने के बाद आप अपनी आवाज को हल्का छोड़ देते हो। आप सोचते हो नहीं गा पाएंगे, गाओ सुर में गाओ। यस, बताओ क्या यहां CO2 कम की ज्यादा? तो यहां कम, तो क्या एक ग्रेडियंट बना? फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, यस और नो? और बताओ यहां क्या ज्यादा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहां ज्यादा? एल्वोलाय, दैट इज लंग्स। कहां कम? टिश्यू। एक ग्रेडियंट बना, तो बताओ यहां से क्या भागी? CO2। यहां से ऑक्सीजन। तो क्या ये एक CO2 का ट्रांसपोर्ट है? yes, sir। बहुत गड़बड़ हो रहा वरना मामला। बोलो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ जो मैं पूछूंगा बताओगे? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां? लंग्स से टिश्यू। और CO2 का? टिश्यू से लंग। पक्का? yes, अब मैं नंबर दे रहा हूं। ये ऑक्सीजन अंदर आई, ये CO2 बाहर निकली, और ये CO2 जब बाहर निकली तो हमारी नाक ने परफॉर्म किया, यस, इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन अंदर गया। Inspiration। नाम बताओ? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो तुमने करवाया वही किया। इसमें कोई भी बात मैंने लिखी नहीं आपसे, अब लिखने जा रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि आप सबसे पहले क्या करोगे? ब्रीदिंग। या तो गैस इन लोगे या तो गैस आउट। बोलो क्या? ब्रीदिंग करके आप गैसेस कहां ले गए? एल्वोलाय। फिर से बोलो, एल्वोलाय में क्या करोगे? डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 होगा। इस डिफ्यूजन के बाद होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो मैं तीसरा लिखूं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, और चौथा मैं लिखूं डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 एट टिश्यू। अभी अभी भी मैंने गलती की एक था, अभी आप ही ने जो बोला मैं वही बोला। पहला बोलो, दूसरा आप मजा नहीं आया। पहला ब्रीदिंग, दूसरा डिफ्यूजन, तीसरा ट्रांसपोर्ट। बोलो, ट्रांसपोर्ट लंग से टिश्यू, टिश्यू से लंग। कौन जाएगा? याद रहेगा? लंग से टिश्यू, टिश्यू से लंग। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एल्वोलाय। पूरा बोलो, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट। तीसरा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट होगा। चौथा डिफ्यूजन एट,
एट टिश्यू। और अगर टिश्यू में बेटा ऑक्सीजन चली गई तो बताओ ये ऑक्सीजन कहां पहुंची? सेल। वहां कौन था? फूड। फिर से बोलो, अगर फूड था तो क्या ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा? और ये मैं पढ़ा चुका हूं, मैं सुनूंगा नहीं, टूटा। क्या निकली? एटीपी निकली। चार साइकिल है, नाम बताओ। ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस। याद आया? एटीपी बनी। और इसे बोला गया सेलुलर रेस्पायरेशन। फिर से बोलो, सेलुलर। अब मैं हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा ये तुम पर डिसाइड है। पांच स्टेप एक के बाद एक बोलने। बोलो, पहला ब्रीदिंग, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एल्वियोलाई। तीसरा ट्रांसपोर्ट। चौथा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट टिश्यू, सेलुलर रेस्पायरेशन। पेज नंबर 270। पांच पॉइंट इसके लिए मेहनत चल रही थी, पांच पॉइंट के लिए। तो रेस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, और जिसने भी रट्टा माना कसम से घूसा मारूंगा उसको। पहला स्टेप, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वोलर एयर रिलीज आउट। बोलो ये क्या हुआ? इसका नाम इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। पहला स्टेप हो गया। चलो दूसरा, डिफ्यूजन ऑफ ओ टू एंड सीओ टू अक्रॉस द एल्वियोलाई। दो हो गया। तुम फिर नहीं देख रहे, कल फिर पूछेंगे तुमसे। यस हाँ, तुमको लग रहा पका रहा है, इसी से बेटा पक पक के बड़े हो गए। आगे चलो, तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस बाय ब्लड, दोनों तरफ, दोनों तरफ, लंग से टिश्यू थ्रू ब्लड, टिश्यू से लंग थ्रू ब्लड। तो ब्लड लाएगा भी, क्या लाएगा, क्या ले जाएगा? इट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चौथा, डिफ्यूजन ऑफ ओ टू एंड सीओ टू बिटवीन ब्लड, ब्लड एंड टिश्यू। एंड पांचवा, यूटिलाइजेशन ऑफ ओ टू बाई द सेल फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ सीओ टू, सेलुलर रेस्पायरेशन। पढ़ाया मैंने? कितनी साइकिल? चार। बोलो, ग्लाइकोलिसिस है, लिंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल है, ईटीएस। अच्छा, अब ये देखो, अब इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी ना होना। ये डायग्राम क्या आपके ब्रेन में है? Yes, चलो यहां महसूस करो, ये क्या हो रहा? इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन। लंग्स में गए? Yes, एल्वोलाई पे गए? Yes, यहां क्या हो रहा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वोलाई। ब्लड में पहुंच गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टू द टिश्यू, पहुंच गया टिश्यू में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पक्का। और सेल के अंदर, सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या इसका चार्ट बना पाओगे? बुक में भी देख के भी ना? पक्का? तो मेरी तरह लिखो पांच पॉइंट, बिल्कुल मेरी तरह लिखना, एनसीईआरटी भले ना लिख पाओ। पहला पोर्शन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के दो पोर्शन, बोलो कौन? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब मैं भूल गया, ब्रीदिंग करके गैसेस कहां गई? अब क्या करूं? डिफ्यूजन, आप लिखो एक्सचेंज या फिर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ब्रैकेट में लिखो एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, या फिर लिखो गैसेस एट एल्वियोलाई। तो पहला स्टेप ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। दूसरा स्टेप डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एल्वियोलाई। चलो तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और ये केवल रट्टा तब होगा जब आप केवल इतना बोलोगे, और अगर तुम्हें को दिखाई पड़ रहा होगा तो ये गैसेस दिखेंगी कौन कहां से जा रही? ऑक्सीजन एल्वियोलाई से टिश्यू,
CO2, टिश्यू से एलिमेंट। याद रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो दोनों गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है, CO2 भी और O2 भी, कौन कहां से वो तुम जानो, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। चौथा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट टिश्यू, टिश्यू पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, याद है। और यहां पर भी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस उन्हीं दो गैसेस का, बोलो कौन, CO2 और O2। और इसके बाद सेलुलर रेस्पायरेशन, और ये तो हमने पढ़ाई दिया है सेलुलर रेस्पायरेशन आपको, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाते वक्त सेलुलर रेस्पायरेशन के चार मुख्य स्टेप याद है। बोलो ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, याद है, और ईटीएस। और अगर भूले नहीं हो तो इसकी इक्वेशन भी पढ़ाई थी, याद है, सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सिक्स सीओ टू सिक्स वाटर। तो जो टिश्यू भी रेस्पायरेशन कर रहा होगा क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, सीओ। इसीलिए बोल रहे थे मेटाबोलिज्म करते वक्त हर टिश्यू क्या प्रोड्यूस करेगा, सीओ। आप सुनो, अगर मैं तुम्हें पुरानी रमेश गुप्ता बुक पढ़ा रहा होता तो इन दोनों स्टेप को मिलाकर बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ही बोलते हैं, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस एट द लेवल ऑफ टिश्यू इज नोन एज इंटरनल रेस्पायरेशन। एंड दिस इज नोन एज सेलुलर रेस्पायरेशन। यकीन मानिए हम लोगों ने रेस्पायरेशन के चार स्टेप पढ़े हैं, एक दो तीन चार। आज एनसीईआरटी उन्हें पांच में तब्दील कर रही है, क्योंकि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को उन्होंने दो पार्ट में बांटा, पहला पार्ट ब्रीदिंग, दूसरा डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को उन्होंने भी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बोला था, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द टिश्यू लेवल इज नोन एज इंटरनल रेस्पायरेशन। तो सेलुलर रेस्पायरेशन इज नॉट द इंटरनल रेस्पायरेशन, माइंड इट, फिर से बोलो, सेलुलर रेस्पायरेशन इज नॉट द इंटरनल, इंटरनल रेस्पायरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट इज नोन एज सेलुलर रेस्पायरेशन। तो हम लोगों ने रेस्पायरेशन के कितने स्टेप पढ़े, चार, पांच, अभी एनसीईआरटी पांच पढ़ाएगी, पहले हमारे पढ़ो, बोलो, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इंटरनल रेस्पायरेशन, सेलुलर। एनसीईआरटी ने कितने पढ़ाए, पांच, पढ़ा पाओगे, पेज नंबर 270 याद है, पहला ब्रीदिंग, दूसरा डिफ्यूजन एट एल्वोलाई, डिफ्यूजन दो बार है, डिफ्यूजन एट एल्वोलाई, डिफ्यूजन एट टिश्यू, बीच में ट्रांसपोर्ट ऑफ, चौथा सेलुलर। और इसीलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी बुक से बेटर कोई किताबें नहीं है। तो जब उन्होंने बोला रेस्पायरेशन में इतने ही स्टेप पढ़ने हैं, तो क्यों ना पहले स्टेप से ही चालू करें। पहला स्टेप इज ब्रीदिंग, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्लास है, अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनो, पहले इतना सुन के जाओ, कल की तैयारी में आना भाई, सुन के मतलब सही से सुनो, बैग पकड़ने लगते हो। अगर मैं चार पैर का जानवर होता, जो कि मैं हूं ना, तो मेरा ये वाला पोर्शन एंटीरियर की पोस्टीरियर, ये वाला पोस्टीरियर, दिस पोर्शन इज पोस्टीरियर, मेरे लेग्स क्या आएंगे, पोस्टीरियर, हेड एंटीरियर। भाई सुन लो फिर चले जाना, पांच मिनट तो पढ़ ही सकते हो। और जो प्रोटेक्टेड साइड होती, बोलो कौन, प्रोटेक्टेड, इट इज नोन एज वेंट्रल, और ये डॉर्सल। तो अगर मैं थोरेसिक कैविटी बनाऊं जिसमें सामने हो स्टर्नम, बोलो क्या, स्टर्नम, पीछे हो वर्टिब्री, अब कुछ लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे, वो मरेंगे कल, कल नहीं मरना तो आज छोटा छोटा मर लो, बताओ ये क्या है, ये स्टर्नम। और आगे तुम जानते हो मैं क्या बनाऊंगा, याद है, बोलो ये क्या है, डायाफ्राम। तो आपकी थोरेसिक कैविटी की एक एक्सिस होती है, ये एक्सिस आपको लंबवत काटती है, सिरिस,
गर्दन से लेकर डायाफ्राम, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर। बेटिया ध्यान सुनो, सर की तरफ पैर की तरफ posterior. तो मैं अगर एक 3D एक्सिस लूं, बोतल दो, मान लो कि ये नेक है। शान कहीं जाना है बेटा? अच्छा, हम कहें जाने की जल्दी हो, आज टेडी बहुत महंगे, आज मत खरीदना। हाँ पता किया मैंने, अबे मेरी शादी हो गई, हम पता नहीं करेंगे, मतलब हम पे भी कोई जुर्म नहीं। इफ दिस इज अ थोरेसिक कैविटी एंड दिस इज स्टर्नम, बोलो क्या है स्टर्न? दिस इज वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज रिब्स, दिस इज नेक, दिस इज डायाफ्राम। तो वो एक्सिस जो नेक से लेकर डायाफ्राम तक जाएगा, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, इट इज नोन एज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। फिर से बोलो, ये वेंट्रल साइड है, डॉर्सल साइड है, और अगर मैं इधर से घुसू डॉर्सो वेंट्रल, फिर से बोलो, बस यू गॉट इट, मजा आ गई भाई। बताओ हमारी थोरेसिक कैविटी की कितनी एक्सिस? दो, एक कौन? एंटीरियो पोस्टीरियर, और ये अगर मैं एक सरिया घुसाऊं पीठ से निकले छाती से, ये किस? डॉर्सल से घुसी वेंट्रल, और मुंह से घुसे और डायाफ्राम से निकले एंटीरियो पोस्टीरियर। अच्छा कहीं और से तुम मत सोचो, एंटीरियो पोस्टीरियर। पुरुषार्थ ने तुरंत कहा कि देखो कहीं और से भी तो नहीं निकल रही। बेटा ये सब तुम्हारी लक्षण हम जानते हैं, क्योंकि सास भी कभी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था। तो तुम जो जो कर सकते हो, बताओ ये एक्सिस का नाम एंटीरियो पोस्टीरियर, और ये कौन? डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल। तो ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस है, और ये एंटीरियो पोस्टीरियर, और इन दोनों एक्सिस के बीच में लंग्स पड़े हैं। क्या पड़े हैं? लंग्स। तो ये 2D एक्सिस है कि 3D? और मुझे अगर 3D एक्सिस का वॉल्यूम बढ़ाना है, मरे जा रहे, तो क्या मैं डायाफ्राम को खींच दूं? अगर मैं डायाफ्राम को नीचे खींच दूं तो डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा। yes, कौन सी एक्सिस बढ़ जाएगी? एंटीरियो पोस्टीरियर। और अगर मैं स्टर्नम बाहर कर दूं, देखना ये सब करते हैं, तो बताओ डॉर्सो वेंट्रल, तो क्या वॉल्यूम दोनों तरफ से बढ़ेगा? डॉर्सो वेंट्रल एंटीरियो। और अगर ऐसा किया तो वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घट गया, और निगेटिव हुआ? Yes, बाहर प्रेशर पॉजिटिव, अंदर निगेटिव, इंस्पायरेशन। नहीं आया? डायाफ्राम वापस लौटा? Yes, स्टर्नम वापस आई? Yes, वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इन डिटेल, to be continued, same channel, same time. Take care, good luck, bye-bye. क्या हुआ, नहीं आया?